हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और इनसे मिलने हम आए हैं गोरखनाथ मंदिर में। गोरक्षपीठ के प्रमुख भी हैं ये, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद जी। हम लोग यहाँ कल से समय बिता रहे हैं, आपके संग भी समय बिताया, यहाँ पर हमने काफ़ी समय बिताया। इस पीठ को चलाना अपने आप में एक फुल टाइम काम है, और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, कैसे करते हैं ये आप सब, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं इस तरह की दो रिस्पांसिबिलिटी? देखिए, दो रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, एक ही है, एक ही का विराट स्वरूप है। धर्म भारत की परंपरा में एक जीवन पद्धति है, जिसे हमने सेवा के साथ जोड़ा है, लोक कल्याण के साथ जोड़ा है और आत्मकल्याण के साथ जोड़ा है। दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे योगी जी कि आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ, आप यहाँ कैसे आए, कब आए और कैसे यहाँ पे आपने अपना समय बिताया? ये नाथ संप्रदाय की देश की सर्वोच्च पीठ है, सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख पंथ है नाथ संप्रदाय। गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में मुझे 1900 दशक के प्रारंभ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने मुझे योग दीक्षा दी। योग दीक्षा देने के बाद फिर आप संप्रदाय के बारे में, सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के बारे में उनसे पूर्ण रूप से दीक्षित होने के उपरांत फिर मैं उनके द्वारा मुझे प्रारंभिक रूप से इस पूरे अभियान के साथ जोड़ा गया। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व भी दिया है, तो मुझे लगता है कि एक लोगों का विराट स्वरूप उस रूप में लेकर के उस अभियान के साथ हम जुड़े हैं।